बताइए कौन सा स्टॉक है। मैं स्टॉक बताऊं उससे पहले एक सवाल पूछना था, आपने होम लोन लिया हुआ क्या? मैंने लिया हुआ है। क्या 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 होम लोन की रेट क्या है? अरे वाह, आपके इतने पैसे, आपने लोन लिए क्यों? आप तो आपको तो देना चाहिए कुणाल जी, उल्टा ले रखा। टैक्स बेनिफिट बहुत मिल जाता है ना, 30% टैक्स। इसी कारण लिया था मैंने, बिल्कुल। मेरे ख्याल से 8.5% में, आजकल 8.5% में, 8.5-9% में चीज ना हूँ। 8.5 वेरी करता है, 9% में। मेरा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है केस, मेरा 7.5% फिक्स में है और वो भी 20 साल के लिए हो लिया, तो मतलब इफेक्टिवली 30% टैक्स घटा दे तो मेरे तो 5% ही बोरोइंग कॉस्ट है। मैं अच्छा ये इस बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक स्टॉक जो अभी तो पार्टी शुरू में मैं देना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और देखिए अभी सिंपल चीज़ है कि अगर 8.5-9% में होम लोन लोगों को मिल रहे हैं या ले रखे हैं, और अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ जो ब्याज दरें बढ़ रही, अब तो देखिए 8.25% हो गया आपका 10 साल का बॉन्ड, 10 साल की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 8.625%, आज 8.06-8.1 कुछ है, तो इनकी सबकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई है। अब बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई तो ये भाव में ये कैसे करेंगे? दिक्कत ये कि आप 8.5% में अगर होम लोन जा रहे हैं तो आप स्प्रेड नहीं बनाएंगे, जिस भाव में आप उधार ले रहे हैं और कस्टमर को उधार दे रहे हैं उसमें गैप तो होना चाहिए ना, अगर वो गैप नहीं तो कमाएंगे कैसे कंपनियां? इसीलिए ये आज जो सारी लाइन से गिरी हुई है ना हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, उसके पीछे कारण ये स्प्रेड कम हो रहा है, कमाई कम हो रही है और ब्याज दरें जब बढ़ती है, अब तो संकेत पिछली बार अभी आ भी रहते हैं कि शायद अगली बार फिर से ब्याज दरें बढ़ा दें आरबीआई, तो अगर ब्याज दरें बढ़ती है तो फिर ये मामला मुश्किल है एनबीएफसी के लिए और खासतौर से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए, और इस वजह से लाइन से रेपको, कैनफिन, आईबी हाउसिंग ये सब गिरे। लेकिन मैंने जो आज स्टॉक चुना है शॉर्ट साइड पे वो बेहद इंटरेस्टिंग है, वो है DHFL। अभी तो पार्टी शुरू में, हाँ ये DHFL में ना, मतलब मैं बहुत आपको ईमानदारी से बोल दूं, पहले डिस्क्लेमर पहले दे दूं कि इसमें मेरे गलत पड़ने की संभावना है पूरी पूरी है। क्यों? कि ये स्टॉक जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये कॉमन सेंस के दम पे बोल रहा हूँ और मैंने मेरे एक्सपीरियंस के दम पे बोल रहा हूँ। अब वाकई में ये स्टॉक गिरेगा, खराब होगा और कितना होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन मैंने अभी हाल ही के 2 एग्जांपल देखे। और ये भी फिर से मैं कह दूं कि कंपनी की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस, ये वो मैनेजमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं, मैं खाली 2 चीजें कंपेयर कर रहा हूँ। 2 चीजें क्या है कि कुछ वो स्टॉक जो एक दिन में 40-50% गिरते हैं उनका प्राइस पैटर्न कैसा होता है, ठीक है? हाल ही में 2 एग्जांपल है हमारे सामने, यस बैंक तो अलग चीज है, पीसी ज्वेलर्स, वक्रांगी, दो स्टॉक एक एक दिन में काफी तेजी से गिरे, उसके बाद एक बड़ा उछाल आया, सबको लगा कि दिक्कत खत्म, अच्छे भाव पे आ गए, ले लेना चाहिए, और आज देखिए वो दोनों स्टॉक कहां ट्रेड कर रहे हैं। वहां तो ठीक है, फिर भी थोड़ा अंदाजा था कि क्वालिटी को लेके इशू है, या मैं ये नहीं कह रहा क्वालिटी को लेके इशू है DHFL में, मुझे नहीं पता, हो तो भी मुझे नहीं पता, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन प्राइस पैटर्न वैसा बता रहा है कि जिस दिन तेजी से गिरा 60%, नेक्स्ट डे रिकवर हुआ 400-450 तक भी गया था, उसके बाद उस दिन के लो भी तोड़े इसने और फिर से खराब होता दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइस पैटर्न ये बता रहा है, ये फंडामेंटल एनालिसिस नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस का एनालिसिस है, ये बता रहा है कि कुछ तो ऐसी चीज है जो बाजार को पता है, हमें आपको नहीं पता, जिसकी वजह से स्टॉक इस तरह से ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हाई रिस्क ऐसा कॉल है जो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और मैं फिर से कहना चाह रहा हूं इसमें गलत पड़ने की संभावना पूरी है, इसलिए स्टॉप लॉस आपको रखना है, लेकिन अगर सही हुआ तो मैं बहुत बड़ा सही हूँ। ये बात ही तो वो जो कहते हैं कि आप जब आप कॉल देते हो ना कुणाल जी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हो ना कि गलत होने की संभावना कितनी और सही होने में फायदा कितना, वो मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें नजर आ रहा है शॉर्ट साइड पर। तो दीवान हाउसिंग मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छे से गिरने को तैयार है, प्राइस पैटर्न पे जाऊँ आप एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं, और मुझे लगता है कि जो आपने यहाँ पे एनालिसिस किया बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि देखिए मैंने अपने अनुभव में अनिल जी कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी स्टॉक में इतना बड़ा वीकली कैंडल बने, यानी कि एक सप्ताह में इतना बड़ा कट आ जाए और उसके बाद वो रिकवर हो जाए, तो रिकवर होने की संभावना बहुत ही कम दिखती है। मुझे लगता है कि लंबी अवधि तक इसमें गिरावट कायम रहेगी, बहुत नीचे के लेवल्स आएंगे, और ये अभी हमें नहीं पता कि इसमें समस्या क्या है, लेकिन जब भी समस्या उजागर होगी तो आपको इसमें बहुत नीचे के लेवल, और तब मौका शायद आपको ना मिले निकलने का, बेचने का। तो इन स्तरों पर मुझे लगता है कि शॉर्ट करना चाहिए, नहीं हो तो नहीं भी हो सकता है, ना भी हो, लेकिन चार्ट पैटर्न जो है वो काफी कमजोर है और उसी के बेसिस पर हम कह रहे हैं। और एक चीज और बताऊं, मैं पीसी ज्वेलर्स में भी जब हमने वो एनालिसिस किया, स्टॉक है ना
इन स्टॉक की एक और खासियत और है, ये बहुत हठी स्टॉक है, वो जिसको क्या बोलते हैं आप, जिद्दी। ये आप जब बोलेंगे तब नहीं गिरेंगे, इनको जब गिरना होगा तब गिरेंगे। तो हो सकता है हमारे बोलने से ना गिरे, वो हम चाहते भी नहीं है। गिरे तो ये अपने फंडामेंटल से गिरे या अपने डिमांड सप्लाई से गिरे। इसके लिए एक ही चीज चाहिए, बढ़िया वाला स्टॉप लॉस, भले थोड़ा डीप हो चलेगा, लेकिन वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लोगों को जो फॉलो करना है, किन लेवल के नीचे जाने के बाद ये बहुत खराब हो जाएगा और फिर बड़े टारगेट क्या आ सकते हैं वो बताइए। देखिए यानी कि 290 के नीचे गया तो इसमें भारी गिरावट आएगी, फिर इसको रोक पाना मुमकिन नहीं होगा। और मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस बड़ा रखना चाहिए, 340 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखे, 335 रुपए का, 335 का स्टॉप लॉस, ये मैं फ्यूचर के लेवल्स दे रहा हूं। तो आज के हाई करने चले थोड़ा जी, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस बड़ा चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें स्टॉक में 20-20% के मूव तो आम बात हो गई है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस 335 का रखे। पहला टारगेट इसके लिए 275 रुपए का है, और 275 जैसे ही ये तोड़ेगा ये सीधा आपको 240 रुपए के लेवल इसमें आते हुए। बंसल जी आपकी रीडिंग क्या है? मेरी अनिल जी रीडिंग ये है, इसको बेच के चलना चाहिए। पहली बार ऐसा है कि मेरा स्टॉप लॉस कुणाल जी से थोड़ा छोटा है, मेरे बहुत बढ़िया है, हम तो आपके ही फॉलो करेंगे, टारगेट भी बड़ा कर दीजिए और बढ़िया। 320 का अनिल जी मेरा स्टॉप लॉस है, 320 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और स्टॉक मुझे लगता है अनिल जी ये इसमें वेट नहीं करना चाहिए, जो कुणाल जी ने बोला 274-275 एक लेवल है, बट उसकी वेट नहीं करना चाहिए। ये स्टॉक मुझे लगता है 220 तक इजिली गिरेगा, जैसे आपने बोला ना कि मेरा ये लो कन्विक्शन, अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, मेरे को लगता है अनिल जी कि 90% प्रोबेबिलिटी है, 100% प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक बिना स्टॉप लॉस ट्रिगर कराए नीचे 220 तक आएगा। नहीं नहीं, लो कन्विक्शन नहीं, कन्विक्शन तो मतलब मेरा कन्विक्शन फंडामेंटली बेचने का कम है, मेरा कन्विक्शन प्राइस पैटर्न से बेचने का ज्यादा है। प्राइस पैटर्न तो साफ दिख रहा है, वो कहते हैं कि भाई आप इतिहास से नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे। अगर आपने इतिहास देखा, ऐसे इतिहास में कुछ कुछ स्टॉक ऐसे हुए हैं, मैं तो चाहता हूँ मैं गलत हूँ, मैं तो बिल्कुल साफ साफ कहूँ मैं चाहता हूँ मैं स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक तो बड़े बड़े दिग्गजों के पास है, जिनका नाम भी राकेश जी है आप ही की तरह। इसकी थ्योरी शुरू हुई थी 2016 में, अक्टूबर 2016 में जब ये स्टॉक 325 के ऊपर निकला था, तब इस स्टॉक के अंदर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिला था। अब ये स्टॉक उन लेवल्स के नीचे चल रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ निकल के मुझे सिर्फ एक चीज और बता दो कि कौन सा वो लेवल है जिसके नीचे क्लोज हो, तो जो इन्वेस्टर है जिन्होंने डिलीवरी लेके रखी हुई है उनको भी भेज देना चाहिए, मैं वो ज्यादा जानने में इंटरेस्ट हूँ। शॉर्ट करके लोग पैसा बनाए नहीं बनाए छोड़ दीजिए जाने, सबसे बड़ी तकलीफ तो क्या जिनके पास रह गया बेचारे, जो दुखी लोग हैं उनके लिए क्या सोचिए। जी मेरा थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंट है, मैं ये कहता हूँ देखिए इसमें ट्रेंड नीचे की तरफ है, तो इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि किस लेवल के, ये तो जा ही रहा है, इसमें ये देखना चाहिए कि किस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तब मानना चाहिए कि अब ट्रेंड रिज्यूम हो गया। अच्छा, अगर ये स्टॉक 330 के ऊपर के लेवल की क्लोजिंग देता है तब ये मानना चाहिए कि अब ट्रेंड रिज्यूम हो गया है। तो जैसे कई लोग जो बॉटम फिशिंग करना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं, वो नहीं करना, आप टेक्निकली वेट करें, 330 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तब मानना चाहिए कि यहाँ पर अप ट्रेंड रिज्यूम हो गया है, जिसकी प्रोबेबिलिटी एज ऑफ नाउ मुझे नेग्लिजिबल लगती है। और दूसरा प्राइस वॉल्यूम एक्शन जो है वो यही दर्शा रहा है कि स्टॉक 220 तक गिरेगा। चलो